सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या देख लिया है एकदम से। उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी भी मैं सदमे में हूं यार, क्या देख लिया मैंने। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं द बेबी सिटर मूवी के बारे में, जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। मैंने इस मूवी के खत्म होने तक, मतलब कि लास्ट में जो क्रेडिट दिखाते हैं वहां तक की मूवी देखी। मैंने सोचा यार एटलीस्ट इसके अंदर लास्ट में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो ये बताएगा कि जो अब तक इस मूवी में देखा वो सब कुछ एक सपना था और अब ये सपना खत्म होने वाला है और असलियत आने वाली है, बट ऐसा नहीं हुआ। चलो मैं आप लोगों को इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं आप लोगों को स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ। एक लड़का है कोल, जिसकी उम्र कम से कम 16 या 17 साल की है, और वो अपने स्कूल में सबसे बड़ा फट्टू है। मतलब हर एक इंसान, हर एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है, उसे फट्टू फट्टू कह के चिढ़ाता है। पर इस लड़के की एक बेबी सीटर है जिसका नाम है बी, और कसम से यार बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कोल इतना बड़ा फट्टू है कि उसके पिता काफी टाइम से उसके पीछे पड़े हुए हैं कि चल यार गाड़ी सीख ले, लेकिन अभी तक जितनी हिम्मत करने के बाद वो क्या कर पाया है कि सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ, मतलब स्टीयरिंग तक पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट ही कर पाए। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ी को चला पाए, इतना ज्यादा वो डरा हुआ है। अब देखो, इस उम्र के बच्चों के दिमाग में ज्यादातर क्या होता है, ऑब्वियसली कचरा ही होता है। तो एक इसकी फ्रेंड, कोल की फ्रेंड इसको कहती है कि तू जब रात को सो जाता होगा तो तेरी जो बेबी सीटर है भी, वो पक्का रात को तेरे सोने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को ऐसे एस मतलब प्लूरल करके उसने बोला कि बॉयफ्रेंड्स को बुलाती होगी और पता नहीं क्या क्या करती होगी। तो अब वो क्या करे, मतलब अब तो जिज्ञासा होती है ना कि ओहो क्या करना होगा। तो कोल उस रात को जगता है और वो ये देखना चाहता है कि उसकी जो बेबी सीटर जो बी है वो किसको बुलाने वाली है। ऑब्वियसली रात को उसके फ्रेंड्स आते हैं, यानी बी के जो है वो फ्रेंड्स रात को आते हैं, और जो वो देखता है जो वो उसके फ्रेंड्स करते हैं, एक्चुअल में जो बी और उसके जो फ्रेंड है वो शैतान को बुलाने वाले हैं अपनी कोई विश पूरी करने के लिए। इसके लिए इन्होंने किसी की ऑलरेडी बलि चढ़ा भी दी, और ये देखकर भाई साहब कोल की जो फट जाती है। देखो मूवी में कॉमेडी है, हॉरर है, लेकिन ये जो हॉरर इसमें दिखाया है सच में यार उसका तो एक तरीके से मजाक उड़ाया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने मूवी देखने बैठा था तो मुझे लगा था कि बी जो है वो कोई अलग ही दुनिया से मिलेगी या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में ये निकलेंगे, ऐसे लोग निकलेंगे ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कोल जब ये सब चीजें देख लेता है, सच में जब उसकी फट जाती है, अब देखो यार कोल क्या करेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा, कैसे वो वहां से भागेगा, इसके लिए तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। बट एक चीज मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज की वो ये कि यार ये मूवी एटलीस्ट हमें बताना क्या चाहती है, ये हंसाना चाहती है या फिर हमें डराना चाहती है, यार मैं इस चीज में थोड़ा कंफ्यूज हूं। अब इस मूवी में बहुत सारी चीजें तो इलॉजिकल थी, सच में उन पर विश्वास करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और इसलिए इस मूवी में कहीं ना कहीं मुझे बोरियत महसूस हो रही थी। हाँ, काफी सारे यही कहेंगे यार ये एक कॉमेडी मूवी और कॉमेडी में लॉजिक नहीं ढूंढते, मानता हूं, एग्री करता हूं तुम्हारी बात से, बट कॉमेडी मूवी में एटलीस्ट कॉमेडी तो ढूंढ सकते हैं ना। तो इसके अंदर कॉमेडी है ना तो इसके अंदर हॉरर है, पता नहीं ये मूवी है ही क्यों। देखो ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि मुझे मूवी पसंद नहीं आई, काफी सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको मूवी पसंद आ सकती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मत लिखने मत बैठ जाना कि ओ तू ये है तुझे मूवी का पता नहीं है। यार पता है, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। बाकी मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी, गाली मत लिखना यार। और अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं उनको ये रिकमेंडेड करूंगा कि यार ये वीडियो जो है वो दोबारा से देख लेना, तुम्हारी बुद्धि में कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि देखनी है या नहीं देखनी है, अपनी बुद्धि का यूज करना। 4 out of 10 स्टार दिए एटलीस्ट, बाकी आप लोगों के ऊपर है। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।